हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमिक्स के बारे में, वो भी हिंदी में। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल ज़ॉम्बीज कॉमिक के बारे में। ये कॉमिक 5 पार्ट्स में रिलीज़ हुई थी और हर एक पार्ट में 4 इश्यूज हैं, तो हम भी आपको वैसे ही दिखाएंगे जैसे रिलीज हुई थी। तो शुरुआत में हम देखते हैं मैग्नेटो को, जो कह रहा होता है कि वो मशीन नष्ट हो चुकी है और वो मॉन्स्टर्स इस आयाम में फंस चुके हैं। तब हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका, थॉर, मून नाइट और डेयर डेविल को। स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तुम सच में हमसे लड़ना चाहते हो, जबकि तुम गिव अप कर सकते हो। कैप्टन कहता है कि अगर तुम सरेंडर करोगे तो तुम्हें बिना दर्द वाली मौत मिलेगी। और फिर मैग्नेटो आसपास पड़े सभी सामानों से सब पर हमला कर देता है, जिसमें से एक बड़ा सा मेटल रॉड डेयर डेविल के आर पार हो जाता है, लेकिन जॉम्बी वायरस की वजह से डेयर डेविल मरता नहीं। स्पाइडरमैन और कैप्टन मैग्नेटो से कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे, सिर्फ एक बार काटने से ये सब खत्म हो जाएगा, तुम बस जरा सा इसे मुश्किल कर रहे हो। तब मैग्नेटो कैप्टन की शील्ड लेकर उसके सर को काट देता है। मैग्नेटो शील्ड लेकर छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है, तब वो खुद से कहता है कि उठो मैग्नस, तुम यहाँ के सबसे पावरफुल म्यूटेंट हो, तुम्हें यह सब खत्म करना होगा इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। तभी मैग्नेटो की कम्युनिकेशन वॉच ऑन हो जाती है, जिस पर मैग्नेटो कहता है यह नहीं हो सकता, जब कनेक्शन कट गया मैंने सोचा कि तुम। तब दूसरी तरफ से आवाज़ कहती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, और वो शटल भेजने के बारे में पूछती है। तब वो मना कर देता है और पूछता है कि बाकी लोग जिंदा है। तब वो आवाज़ कहती है नहीं, सिर्फ 12 लोग जिंदा है। तब मैग्नेटो कहता है कि ठीक है, हमें एक साथ आकर प्लान बनाना होगा इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन तभी हॉकाई मैग्नेटो को देख लेता है और कहता है कि आज रात मेन्यू में म्यूटेंट है, जिस पर मैग्नेटो कहता है कि आज नहीं, और वो शील्ड से हॉकाई की गर्दन काट देता है, लेकिन हॉकाई का तीर उसे लग जाता है। बाद में मैग्नेटो कैप्टन को दूर फेंक देता है। तब हैंक पिम कहता है क्यों मैग्नेटो, तुम खुद को इसके बीच में क्यों घसीट रहे हो। थॉर कहता है कि मेरे लिए तो ये एक साफ बात है, जब तक मैं इसे मारने देता तब तक मैं हार नहीं मानने वाला। बाद में मैग्नेटो कहता है कि मेरा भी यही कहना है, और वो पेट में लगा हुआ तीर थॉर के गर्दन के आर पार कर देता है। और मैग्नेटो आसपास पड़े रॉड से उन सभी पर हमला कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि तुम बेवकूफ ने मुझे कम समझा, तुम्हें लगता है मैं आसानी से हाथ आ पाऊँगा, मैं मैग्नेटिज्म का मास्टर हूँ और ये जगह स्टील और कंक्रीट से भरी हुई है, मैं तुम सबको मार सकता हूँ, तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। लेकिन तभी वास मैग्नेटो को काट लेती है। तब हैंक पिम कहता है इसके लिए लड़ना बंद करो, सबको मिलेगा। तब थॉर कहता है ये मेरा है। तब हल्क कहता है म्यूटेंट मैन हल्क का खाना, और उसका पैर तोड़ देता है। बाद में सब उस पर टूट पड़ते हैं और मैग्नेटो के नट बोल्ट स्वर्ग से गिर जाते हैं। बाद में सब बैठकर बात कर रहे थे, जहां हम देखते हैं थॉर के गले में तीर घुसने के बाद भी वो ठीक था, स्पाइडरमैन पैर टूटने के बाद भी उसे दर्द नहीं हो रहा था, डेयरडेविल का हार्ट बंद पड़ चुका था और ग्रेविटी की वजह से नीचे जाकर पैरों में खून जमा हो चुका था, जिससे हैंक पिम को ये पता चलता है कि वो मर गए हैं, लेकिन दिमाग को किसी इन्फेक्शन ने जिंदा रखा है इसलिए वो जॉम्बीज बन गए हैं। स्पाइडरमैन अपनी आंटी और बीवी को खाने का अफसोस जताते हुए मरने की इच्छा जाहिर करता है। तब ब्रूस बैनर किसी को खुद को मारने को कहता है ताकि वो हल्क बने और उसका पेट ना फटे। तब थॉर हथौड़े से उस पर वार करता है, लेकिन फिर भी वो हल्क नहीं बनता और उसका पेट फट जाता है। उस पर लूक केज कहता है कि वो क्या है, जिस पर स्पाइडरमैन जोक मार के कहता है हड्डियाँ बैनर के पेट से बाहर जा रही है, जिस पर लूक कहता है हटेले वहाँ आसमान में। तब हम देखते हैं सिल्वर सर्फर, उस पर अंधा डेयरडेविल कहता है क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। उस पर हैंक पिम कहता है कि हाँ वो और खाना है।